अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज फिज़िक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैक कॉलेजेट के हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। 100 MCQs हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस करनी है। बस ये आज जो है फिज़िक्स के MCQs की प्रैक्टिस के लिए लास्ट वीडियो है और इंशाल्लाह इससे आप देखोगे तो प्रैक्टिस का भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि पुराने जो लेक्चर्स हैं उनकी जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करने से इसको सॉल्व करने में कितनी आसानी हो रही है, और बहुत सारे नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, वैसे मार्किंग तो हुई हुई है इसके ऊपर, बट ये है कि हम लोग फिर भी अगेन मार्क कर देंगे, हो सकता है मुझे मालूम नहीं है कहाँ से मार्किंग आई है, तो अगर कुछ मार्किंग के अंदर डिफरेंस होगा तो पता लग जाएगा। द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यार काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है, अगर हम उसको यूज़ करें तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². 1/2 नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। m मास को शो कर रहा है तो m आएगा, और वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m(l²t-2)। तो आप समझ जाएंगे पूरी की पूरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है, और आप हर एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो m(l²t-2). द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.5×10⁻³ होगा ये, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 2.5×10⁻³, तो याद रखो एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, और दो जीरो और लगे हुए, सॉरी, और 2 और 5 तो सिग्निफिकेंट होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, कि जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये जो दो जीरोज आ रहे हैं डेसिमल की मौजूदगी में राइट साइड पर आ रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नंबर 3, स्क्रू एंड लीवर वर इन्वेंटेड बाय, स्क्रू और लीवर जो है वो इन्वेंट करे थे आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज स्क्रू भी कहलाता है, आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से कॉमन है बहुत, तो आप याद रख सकते हो। द ऑथर ऑफ बुक अल कानून अल मसूदी वॉज रिटन बाय, अल बैरूनी, अल बैरूनी किताब का नाम है ये जो है ना, अल कानून अल मसूदी, ये इंसाइक्लोपीडिया एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रोनॉमी का इंसाइक्लोपीडिया है, इतना अहम है कि आज भी इसके अंदर बहुत ही अहम डेफिनेशन मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोनॉमी। डाइन इज द यूनिट ऑफ, डाइन जो है वो फोर्स का यूनिट है इन CGS सिस्टम। डाइन जो है वो फोर्स का यूनिट है, जैसे हमारे न्यूटन होता है वैसे ही CGS सिस्टम के अंदर जो है वो डाइन होता है, और FPS सिस्टम के अंदर यानी कि फुट पाउंड सेकेंड के अंदर पाउंड होता है फोर्स का यूनिट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बहुत ही कॉमन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, वो फासला जो रोशनी कवर करती है, लाइट कवर करती है वैक्यूम के अंदर इन 1 ईयर, उसे हम कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 light year। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होगा तो डायमेंशन तो ईजी हो जाएगी। एल से शो करते हैं mvr, m है मास, v है वेलोसिटी lt-1, और r है रेडियस यानी कि l, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा m(l²t-1)। सही है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही कॉमन है, बहुत आती है पेपर के अंदर ना, m(l²t-1)। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एब्रीविएशन ऑफ दिस, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और याद रखो साइंटिफिक नोटेशन में बेस्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये है कि डेसिमल होना चाहिए पहले नंबर के बाद, कोई भी नंबर लिखाओ डेसिमल पहले नंबर के बाद होगा तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ होगा क्योंकि छोटा नंबर है, राइट साइड पर शिफ्ट कराए तो -3 आएगा, दैट्स वाई आंसर है 10⁻³। 1 angstrom बराबर होता है 10⁻⁻⁰ angstrom होता है 10⁻⁻⁰ मीटर, किलोग्राम सेकेंड, एम्पियर केल्विन, कैंडेला एंड मोल, ये सब SI यूनिट के सिस्टम, SI सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है जी। ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब SI यूनिट सिस्टम है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन मैंने बताया, एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, 7 और 5 तो सिग्निफिकेंट होंगे ही क्योंकि नॉन जीरो हैं, ऐसा जीरो जो दो नंबरों के बीच में आ रहा हो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, और राइट साइड वाले जीरो तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब डेसिमल लगा हो, इट मींस इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट, सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
12 किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय किताबुल मनाजिर, मनाजिर मतलब देखने से रिलेटेड है, मंजर मनाजिर देखना। तो ऑप्टिक्स में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, फादर ऑफ ऑप्टिक्स इब्नुल हैतम। द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इज कैपिटल जी की डायमेंशन, कई मरतबा मालूम करिए, अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ बराबर होता है कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, रीअरेंज करोगे तो कैपिटल जी अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वन इंटू एम टू। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू आर की डायमेंशन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मासेस चाहे एम वन हो या एम टू हो डायमेंशन तो सेम होती है, एक एम से एक एम कैंसिल, एल कितना हो गया, एल हो गया क्यूब, टी हो गया माइनस का टू चला आ रहा है, और ये एम प्लस वन पावर है इसकी, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस वन। तो एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू, एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की डायमेंशन पता करनी है, फॉर्मूला इस्तेमाल करें अगर प्रेशर का, तो पी बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन हमें मालूम है एम एल टी माइनस टू, और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो एक एल से एक एल हो जाएगा कैंसिल, एम अपनी जगह पर है, टी माइनस टू अपनी जगह पर है, एल ऊपर चला जाएगा, एल इनवर्स हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। पिन होल कैमरा, अगेन वही बात है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक चीज़ है पिन होल कैमरा। कैमरा वॉज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हैतम। कैमरा ऑब्स्क्यूरा या अंधेरा कमरा जिसका नाम था। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5.642 एंड 4.71 इन प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर इज 5.642, 5.642 इंटू 4.71, 4.71। अब पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएं, ये आएगा 26.5732। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से आपने ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है। मल्टीप्लाई में ये देखा जाता है, एडिशन में ज़्यादा वाले को देखा जाता है, मल्टीप्लाई में कम वाले को देखा जाता है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे एक दो तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि हमारे आंसर में भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इस तरीके से राउंड ऑफ करना है, 2 5 से छोटा है ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, 8 बड़ा है 5 से, इसमें एक ऐड होगा और 8 ड्रॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 4, 26 पॉइंट। 4 5 से छोटा है ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, 26.57 बचेगा। 7 5 से बड़ा है, इसमें एक ऐड होगा और ये ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.6, दिस वन। कानूल फिल तिब, अब देखो तिब का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, मेडिसिन से रिलेटेड है, और हमारे सिलेबस के अंदर मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो सबसे अहम साइंटिस्ट जो है वो इब्ने सीना है। तो ये जो अल कानून फिल तिब है, इसका बेसिकली ये जो किताब है ये लिखी है इब्ने सीना ने, और इसका क्लियरली ताल्लुक है तिब, तिब यानी कि ये जो मेडिसिन वगैरह होती है इससे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, अगेन वही बात है, 8 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो हैं ये दोनों, जीरो सिग्निफिकेंट क्योंकि दो दो नॉन जीरो के दरमियान में आ रहे हैं, और राइट वाला जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के राइट साइड पे जितने भी जीरोज होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैंडेला जो कि एस आई यूनिट में आता है, इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला एफ इंटू डी या आर करके फाइंड करते हैं। तो फोर्स एम एल टी माइनस टू अभी देखा, और मोमेंट आर्म लेंथ का नाम है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 6 4 एंड 3 यूनिट्स आर एडेड, द रिजल्टेंट हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ, एक 4 यूनिट है और 3 यूनिट है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब
90 डिग्रीज पर। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्रीज पर होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, रूट लेंगे रिजल्टेंट आएगा। पहली फोर्स 3 न्यूटन है, दूसरी फोर्स 4 न्यूटन है, अंडर रूट 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। इफ आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई जेड एक्सिस, हमें मालूम है तो के क्रॉस जे बराबर होगा, के क्रॉस जे फाइंड करना है। तो इसका जो रूल है, जो तरीकेकार है, वो मैं बताता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया आप हमेशा ना इसको आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के, ठीक है। और इसको आप जो है ना इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में लिख लो। अब जो भी लिखा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है के क्रॉस जे, अब आता तो हमेशा थर्ड यूनिट वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, ये बात तो कन्फर्म है, प्लस या माइनस का फर्क आता है। तो आप इस फिगर के अंदर देखो, अगर तो आप चल रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो तो प्लस का आंसर आएगा, और अगर अपोजिट चल रहे हो तो माइनस आएगा। के क्रॉस जे करने के लिए के से जे की तरफ जाना पड़ा, एरो के अपोजिट जाना पड़ा, इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का आई होगा इसका करेक्ट आंसर। इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से डिवाइड कर दो तो नतीजे में हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, द वेक्टर व्हिच इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट वेक्टर्स, दो इक्वल बट अपोजिट वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर आता है नल वेक्टर। जिस तरीके से दो अपोजिट नंबर्स को ऐड करते हैं आंसर आता है 0, बट 0 तो एक नंबर होता है वेक्टर्स में, उसे नल वेक्टर कहा जाता है। 26, के डॉट आई क्रॉस जे, अगेन वही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना आई क्रॉस जे, तो आप देखो आई क्रॉस जे करते हुए हम एरो की सिम्त में चल रहे हैं, तो जब हम आई क्रॉस जे करते हुए एरो की सिम्त में चल रहे हैं तीसरा वेक्टर आएगा के, सही है। और पहले से बाहर क्या लिखा हुआ था, के डॉट लिखा हुआ था, ब्रैकेट सॉल्व किया तो के आया के डॉट, के डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर आता है 1 के, तो के डॉट के इज इक्वल टू 1। दिस वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एफ एंड एफ ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज एफ व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, इसका आंसर 120 डिग्री है। और बड़ी अच्छी बात है, मुझसे भी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था ये वाला सवाल, तो चलो अच्छा ही है, हाथ के हाथ इसको प्रूफ कर लेते हैं। दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड एफ है और उनको ऐड करने पे भी आंसर एफ आ रहा है, तो बताइए एंगल क्या होगा। तो इस्तेमाल करते हैं यहां पर पैरेललोग्राम मेथड, जिसके मुताबिक रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हो, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे बात यह है कि r हो a हो या b हो, सब बराबर है और सबके सब f के बराबर है। मैं चाह रहा हूं कि मैं थीटा मालूम कर लूं, तो हम क्या करेंगे, इधर f इज इक्वल टू अंडर रूट f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू f, यहां पर आ जाएगा cos थीटा, कितने होगा भाई 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, 2 और 2 को ऐड करके 4 कर दें, है नहीं, गलती नहीं करना ऐसी, ठीक है। ये इसके साथ cos थीटा लिखा हुआ है, कॉमन जरूर आ सकता है ये, तो आप कॉमन जरूर ले लेना, कॉमन आ सकता है सीधा सीधा। तो इधर क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और बचेगा 1 प्लस cos थीटा, और यहां पे लिखा हुआ है f, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, f का स्क्वायर बराबर आएगा 2f का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। f स्क्वायर से f स्क्वायर होगा कैंसिल, 1 ओवर 2, 2 को दूसरी तरफ भेज दिया और 1 प्लस cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है जी। नाउ cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा बराबर आएगा, cos थीटा यही रहेगा, ये इधर जाके हाफ हाफ माइनस 1, हाफ माइनस हाफ होता है माइनस का हाफ cos थीटा, और थीटा फाइंड करना है cos इनवर्स माइनस 1/2 का, तो थीटा आ जाएगा 120 डिग्रीज, और यही 120 मैंने बताया आपने इसको याद रखना, एमसीक्यूज में आए तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है, 120 होता है जब दो वेक्टर्स को ऐड करें और आंसर भी उतना ही आ जाए जितने के वो वेक्टर्स थे।
ए डॉट बी बराबर है जीरो के, ए क्रॉस बी बराबर है जीरो के और ए बराबर नहीं है जीरो के, तो वाहिद हल यह है कि ये जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा जीरो के, यानी कि वेक्टर बी होगा एक नल वेक्टर। क्योंकि अगर आप एंगल के बारे में सोचो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है जब एंगल होता है 90 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट आता है जब एंगल होता है 0 डिग्री, तो दो एंगल तो हो नहीं सकते, कोई और एंगल ही होगा, या तो ए जीरो है या तो बी जीरो है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ए जीरो के बराबर नहीं है तो बी ही जीरो के बराबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, दो फोर्सेस हैं 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन इन सम डायरेक्शन, ठीक है सम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन नहीं होगा, सेम डायरेक्शन होता तो सीधा सीधा ऐड कर देते, कैन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ, किसी भी डायरेक्शन के अंदर दो फोर्सेस हैं 6 और 8 न्यूटन की, किसी भी डायरेक्शन में लग रही है, कैन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ, कितना रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है वो हमें बताना है कितना हो सकता है पॉसिबल। तो मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 है ये, आप लॉजिक ये बात याद रखिए कि दो वेक्टर्स का जो मैक्सिमम आंसर आता है वो आता है जब हम उन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देते हैं सीधा सीधा, किसी भी डायरेक्शन में लग रही है वो, और मिनिमम आंसर तब आता है जब हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक है 6 न्यूटन की और एक है 8 न्यूटन की, तो इनका सबसे बड़ा आंसर क्या आ सकता है, 6 प्लस 8, इनका सबसे बड़ा आंसर आ सकता है 6 प्लस 8 कितना हो गया, ये हो गया 14 न्यूटन, ठीक है। और मिनिमम आंसर कितना आ सकता है, मिनिमम आ सकता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 8 माइनस 6 कितने न्यूटन आ सकता है, 2 न्यूटन के बराबर आ सकता है, यानी जो भी आंसर 14 न्यूटन और 2 न्यूटन के दरमियान में है वही पॉसिबल है, ठीक है वही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम तब आता है जो सम के बराबर हो और मिनिमम तब आता है जब उनके डिफरेंस के बराबर हो। अब यहां पर क्या ऑप्शन है, 0 न्यूटन, नहीं 0 नहीं प्रोड्यूस कर सकती, कम अज कम 2 न्यूटन तो प्रोड्यूस करेगी, ये गलत हो गया, 1 न्यूटन नहीं ये भी नहीं कर सकती, ठीक है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, 18 न्यूटन भी नहीं कर सकती, 6 और 8 जो है वो बराबर होता है किसके, 6 और 8 बराबर होता है 14 के, तो 18 भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, याद रखो 6 और 8 न्यूटन जो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 2 और 14 के दरमियान में कर सकते हैं, और 2 और 14 के दरमियान में आने वाला वाहिद आंसर कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन, इस वैसे करेक्ट आंसर होगा 10 न्यूटन, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन होता, जो कि मैंने करेक्शन करी है, अगर सेम लिखा होता तो सेम का मतलब तो सीधा सीधा होता, 6 और 8 को ऐड करके हम कितना कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ मेकिंग एंगल 180 डिग्री विद ईच अदर, आंसर जीरो आएगा, दो फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है एक दूसरे से 180 डिग्री पे एक्ट कर रही है, दोनों को ऐड करेंगे इसे 180 डिग्री कहते हैं, और ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। 31, ए बराबर है ए आई के, बी बराबर है बी जे के, तो ए क्रॉस बी मालूम करना है, तो बी क्रॉस जे आपको तरीकेकार बताया, ए और बी तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जब आई को जे से मल्टीप्लाई कराओगे, जब आई को जे से मल्टीप्लाई कराओगे तो डायरेक्शन में चलोगे, आई क्रॉस जे, आई से जे की डायरेक्शन में चलोगे, आंसर सीधा सीधा के आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए ए बी के, ए बी के, दिस वन यूनिट वेक्टर के। दो फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज मिनिमम, जब उनके दरमियान का एंगल बनता है 180 डिग्री, जो कि मैं अभी समझा भी चुका हूं आपको, मिनिमम आंसर तब आता है, ये आंसर तब आता है जब 0 डिग्री पे दोनों एक्ट कर रहे हो, और ये वाला आता है विद 180 डिग्री। दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, मोमेंटम इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट ईयर में पढ़ी तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ओनली द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी उतना ही आ रहा है जितना कि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उतना मैग्नीट्यूड आ रहा था, तो ए और बी के दरमियान का एंगल कितना हुआ, तो याद रखिए वाहिद ये 90 डिग्रीज पर ही पॉसिबल है कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इक्वल आए, कैसे पॉसिबल है, मिसाल के तौर पे वी हैव टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके पहले दिखाता हूं कैसे बनेगा, ऐड करने का मसला ये हो गया, ये आ गया वेक्टर ए, वेक्टर ए के हेड से बी की टेल जुड़ी हुई है, ये आ गया इस तरीके से ऐड कर दिया वेक्टर ए में वेक्टर बी,
तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा हेड और टेल को मिला के, ठीक है। तो इसकी लंबाई नाप लेंगे कितना आएगा, मिसाल के तौर पे अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो पक्का है ये 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर माइनस कर दूं मैं, तो अभी भी देखो वेक्टर ए तो अपनी डायरेक्शन में ही रहेगा, लेकिन ए माइनस बी का मतलब है बी की डायरेक्शन को अपोजिट करो, ऊपर कर देंगे। अब बी सिर्फ डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन जो वेक्टर की लंबाई है ना, अगर इधर 5 सेंटीमीटर थी तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगी। और ये सिर्फ पॉसिबल तब होता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान में 90 डिग्रीज एंगल बने, 90 डिग्री एंगल बनेगा तभी पॉसिबल है। इफ अ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ मैसिव बॉडी विच इज एट रेस्ट, द लाइट ऑब्जेक्ट विल रीबाउंड विद द लाइट ऑब्जेक्ट जाकर टकरा रहा है एक मैसिव बॉडी के साथ, और मैसिव बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा जैसे कि एक बॉल जाके दीवार से टकरा, एक बहुत ही हल्की बॉडी जाके इलास्टिकली एक मैसिव बॉडी से टकरा रही है, मैसिव बॉडी रेस्ट में थी, तो एक बॉल अगर दीवार से जाके टकराती है तो उतनी ही वेलोसिटी के साथ वापस आ जाती है। इस वजह से करेक्ट आंसर होता है रीबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। सही है भाई, रीबाउंड विद ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी तब होता, जो इधर अंडरलाइन हुआ हुआ है, जब लाइटर बॉडी रेस्ट में होती और मैसिव बॉडी उससे जाके टकराती, तब होता है ऐसा। जैसे कि मिसाल के तौर पर बैट और बॉल का कोलिजन होता है, वहां पे तकरीबन ये रूल अप्लाई हो सकता है। बाकायदा ये जो गिवन है लाइट वाला, अगर मैसिव बॉडी एट रेस्ट से टकरा रहा है तो सेम वेलोसिटी के साथ वो रीबाउंड होती है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन डिपेंड ऑन, जो एक्सेलरेशन होती है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे, उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो वो किस पर डिपेंड करती है, जी पर डिपेंड करती है और एंगल पर। एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए बॉडी फॉलिंग डाउन थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। ये सीधा सीधा स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर बॉडीज ऑफ ऑल शेप्स, नहीं स्फेरिकल बॉडीज के लिए अप्लाई होता है। मोशन थ्रू नॉन विस्कस, नहीं विस्कस के लिए होता है, वैक्यूम के लिए तो होता ही नहीं है। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आर रिलेटेड एज, यानी कि अगर कोई बॉडी स्लाइड करती है कहीं सरफेस पे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है, उनके दरमियान का रिलेशन क्या होता है? याद रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब पाई जाती है जब सरफेसेस रेस्ट में हो, वो ज्यादा होती है, और जब बॉडीज मूव कर रही होती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन पाई जाती है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि कम होती है। बॉडीज मूव कर रही है तो आप क्लियरली याद रख सकते हो कि कम होगी तभी तो मूव कर रही है। हाउ मेनी मीटर्स विल अ 20 किलोग्राम बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल्स फ्रीली इन 1 सेकेंड। अब पहली बात, फ्री फॉल मोशन की बात हो रही है तो वो मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, 200 किलोग्राम हो, 2 किलोग्राम हो, 20 किलोग्राम हो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज से फर्क पड़ता है? इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 है, 1 सेकेंड बाद पता करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इससे इजिली मालूम कर लेंगे। तो अगले पेज पे कर लेते हैं, कितना है इन 1 सेकेंड, है ना। एस बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड लगा, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 सेकेंड लगा 1 का स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई होकर हर चीज हो गई 0, 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9, और 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करा भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.9 मीटर्स। 41, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन प्लेस्ड एट 30 डिग्री, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ए बराबर है जी साइन थीटा 9.8 और साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 9.8 डिवाइड बाय 2, 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है। अ 1 किलोग्राम स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ, अगेन मास पे डिपेंड नहीं करता, उस पर ध्यान ही मत दो, ये देखो कि कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, वी आई 0 होता है, हाइट है 10 और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है ना। क्वेश्चन ऑफ 42, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो, और टाइम गिवन है क्या? नहीं टाइम नहीं गिवन है ना यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन, 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2g की वैल्यू 9.8, हाइट मालूम करनी है, वी एफ का सॉरी हाइट तो गिवन थी ना, वी एफ का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, हाइट गिवन थी।
10 मीटर, हाइट थी 10 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 10। ओके जी, तो ये कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 2, ये हो गया कितना, 19.6, 19.6 इंटू 10, ये हो जाएगा 196 वी एफ का स्क्वायर। और सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एफ, तो स्क्वायर रूट लेंगे, 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। A static stone weighing 1 kilogram falling freely from a height 10 meter strikes the ground with speed, वही सवाल है और वही आंसर है, सवाल वही है तो जवाब भी वही होगा, पूछने के तरीके का डिफरेंट था थोड़ा सा। 44, the rate of change of linear momentum is known as force, force की एक और डेफिनेशन थी जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सीखी हम लोगों ने, कि इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ए हेलीकॉप्टर वेइंग 3920 न्यूटन इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इज, कांस्टेंट स्पीड चाहे जितनी भी गिवन हो, कहने का मकसद ये है कि एक्सेलरेशन जीरो है, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है स्पीड के साथ, तो ऐसी सूरत में हेलीकॉप्टर उतनी ही फोर्स अप्लाई करता है जितना कि हेलीकॉप्टर का वेट है, क्योंकि देखो हेलीकॉप्टर ना दो काम करता है, अगर हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा है ना तो सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर ये वेट डाउनवर्ड जा रहा है, सबसे पहले तो जो हेलीकॉप्टर है वो इतनी फोर्स लगाता है कि इस वेट को बैलेंस करे, और जो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई होती है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग फोर्स होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है तो सीधा सीधा जो नेट फोर्स लगाएगा इंजन वो लगाएगा वेट के बराबर, वो है 3920। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी, द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी होता है और न्यूटन सेकेंड भी होता है। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 2 सेकेंड, अब 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला है जो हमने अभी भी इस्तेमाल करा ये वाला, लेकिन यहां पर अगर मैं इसको कर दूं 2 सेकेंड्स, इसको अगर मैं कर दूं फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, या 1 2 से 1 2 कैंसिल कर दो, 9.8 into 2, ये हो जाएगा 19.6। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तरीके कार नहीं। इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी आर सेम, अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बिल्कुल ही बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है। इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बहुत ही कम हो जाए, सबसे छोटा वक्त, सबसे छोटा वक्त लम्हे को कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंट, और इसी वजह से द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी लम्हे के अंदर जो वेलोसिटी होती है। अ कार ट्रेवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड राउंड अ कर्व ऑफ 100 मीटर रेडियस, इट्स एक्सेलरेशन इज, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर, वॉट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 20 and 100, तो 20 का करेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, वी गेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और याद रखो अगर लिखा होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, तो जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो होती है सेम, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आ जाता। 53, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, इट विल हैव द सेम रेंज इफ थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी एज बिफोर एट एन एंगल ऑफ, अब एक सिंपल सा तरीके का आ रहा है, दो ऐसे एंगल्स जिनको हम ऐड करें, दो ऐसे एंगल जिनको हम ऐड करें और उनका सम आ जाए 90 डिग्रीज, मतलब कि वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, अगर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन पे रेंज सेम होगी, तो एक एंगल उन्होंने दिया हुआ है 30 डिग्रीज ना, दूसरा हमें मालूम करना था 90 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा थीटा 2 बराबर आ जाएगा किसके, 90 माइनस 30 कितना होता है 60, याद रखो दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्रीज होता है उन पर रेंज बराबर होती है। 54, अ प्रोजेक्टाइल हैज इट स्पीड मैक्सिमम एट द मोमेंट ऑफ प्रोजेक्शन हिटिंग द ग्राउंड बोथ ऑफ दीज, दोनों में
जब प्रोजेक्ट करते हैं यानी कि जब फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल को, तब भी मैक्सिमम स्पीड होती है, जब ग्राउंड से टकराने वाला होता है तब भी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम हाइट पर जाके मिनिमम होती है। द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ रेडियस आर आर रिलेटेड बाय, अब देखो इसमें बड़ी कंफ्यूजन है भाई बच्चों को, और पता नहीं जिसने मार्क किया है उसको भी यकीनन कंफ्यूजन रही होगी। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, वैसे तो हम लिख देते हैं सीधा सीधा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो याद रखिए वेक्टर फॉर्म में लिखने का करेक्ट तरीकेकार क्या है, वी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। सही है भाई, इसको आपने जहन में बिठा लेना है, ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा मुझे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन आप बुक को फॉलो करें, बुक में लिखा हुआ है वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जब उसको लिखा उन्होंने वेक्टर फॉर्म में। अ साइक्लिस्ट साइकिलिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक रेसिंग ट्रैक स्किड्स, बिकॉज जो साइक्लिस्ट होता है जो साइकिलिंग कर रहा होता है अराउंड अ सर्कुलर रेसिंग ट्रैक, वो क्यों स्लिप हो जाता है, सेंटीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेंटीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो अगर वो स्लिप हो रहा है तो इसका मतलब जो सेंटीपिटल फोर्स है वो ज्यादा हो गई है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, एंगल पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे भी डिपेंड करता है, जी एट प्लेस पे भी डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम। व्हेन द एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजिंग इंक्रीजेस, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल, सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, अगर इंक्रीजिंग होते हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और अगर डिक्रीज हो रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहे एंगुलर हो के लीनियर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, याद रखना है। द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अबाउट, मूविंग बॉडी अलोंग अ सर्किल पैरल, अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक बॉडी मूव कर रही है अलोंग अ सर्किल, तो उसकी जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें ना तो ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर, और अगर एंगुलर को इसको इन्वॉल्व करें ना हमें पता है वी बराबर होता है आर ओमेगा के, तो ए सी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, ए सी का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक बात और हमें पता है ओमेगा बराबर होता है टू पाई ओवर टी के ना, ओमेगा का फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिहाज से ना, तो अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू थोड़ी सी रिप्लेस कराते हैं, तो ये हो जाएगा टू पाई ओवर टी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर, ठीक है फोर हो गया पाई स्क्वायर हो गया और आर हो गया और अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है फोर पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, तो ये सही है ना, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फोर पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, करेक्ट फॉर्मूला है, और ये है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्रीज और वो सर्टेन टारगेट को हिट करता है, इट विल हैव द सेम रेंज, सेम ही रेंज होगी अगर हमने उसकी वेलोसिटी को सेम रखा, एंड इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ, अगेन वही बात है दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करके 90 डिग्रीज आ जाएगी, अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो 90 में से गिवन एंगल को माइनस करा दो, 90 माइनस 35 करा दो, तो 90 माइनस 35 कितना हो गया, 90 माइनस 35 हो गया 55, इस वजह से करेक्ट आंसर होगा 55। द एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्रीज, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। An angle subtended at its center by an arc whose length is double to that of radius. Arc length double है. Arc length double है. S बराबर होता है r theta के. ये कह रहे हैं arc length जो है वो double है radius के ना. तो अभी चलो directly put कर देते हैं. 2r is equal to r into theta. एक r से एक r हुआ cancel. Theta आ गया बराबर 2 radian के. तो अगर option radian में है तो 2 radian सही हो जाएगा. बट क्योंकि डिग्रीज के अंदर था तो 57.3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यह आ जाएगा 114.6 डिग्रीज, दिस वन।
दो फोर्सेज हैं विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. ये डेफिनेशन ऑफ कपल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज. एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो टॉर्क बनेगा, लीनियर की बात करते हैं तो फोर्स बन जाता. व्हाइल स्पिनिंग अ डांसर सडनली स्ट्रेचेज हिज आर्म्स द एंगुलर वेलोसिटी विल. देखो स्पिनिंग के दौरान अचानक से जो है वो जो डांसर है उसने अपने हाथों को स्ट्रेच कर दिया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा. याद रखिए ये बात हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम देखा आइस स्केटिंग करने के दौरान डांसर्स क्या करते हैं, जब वो तेज घूमना चाहते हैं अपनी स्पीड को ज्यादा करना चाहते हैं तो अपने हाथों को करीब ले आते हैं, और जब वो रुकना चाहते हैं तो अपने हाथों को दूर ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है. डिक्रीज, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई होती है तो वो रुक जाते हैं. देखो अगर हाथ हिलाने से उनकी रफ्तार बढ़ जाती तो यहाँ पे इंक्रीजेज होता, डिक्रीजेज इस वजह से क्योंकि रुक जाते हैं आमतौर पर जब वो हाथों को स्ट्रेच करते हैं. इफ द सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो देन दिस विल बी कॉन्स्टेंट एंगुलर मोमेंटम. अभी अभी मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम दिस इन 4 सेकंड. मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम के अंदर 720 का चेंज आया है, कितनी देर में आया है, 4 सेकंड में आया है. 720 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 180 जूल सेकंड. दिस फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क. याद रखिए जिस तरह से फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन को उसी तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ अ कपल डिपेंड्स अपॉन, फॉर्मूला तो वही होता है आर और एफ एफ डी वाला. ठीक है, लेकिन वो डी क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस एफ और माइनस एफ के दरमियान की ना. इफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इट सेल्फ देन इट्स मोशन इज नोन एज स्पिन मोशन. देखिए अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ना, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और बॉडी फॉर एग्जाम्पल ऐसे करे घूम रही है तो ये सर्कुलर मोशन होता है. लेकिन अगर कोई बॉडी रिवॉल्व हो रही है, गोल गोल घूम रही है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद उस बॉडी से पास हो रहा है तो इस किस्म के रोटेट होने को कहते हैं स्पिन मोशन. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. थोड़ी सी वैसी ड्राइंग करके समझा दिया मैंने, इस तरह से बॉडी जो है वो रिवॉल्व कर रही होगी. व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजेस एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा आर पैरेलल, शायद रिपीट हुआ है ये मेरे जहन में आ रहा होगा. टॉर्क इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जैसे फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का कंजर्व रहता है जब उस पर लगने वाली तमाम नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के बराबर हो. अ मैन गोज अप टू अ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, हिज वेट रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस वुड बी. अगर कोई शख्स ऊपर की तरफ जाता है, हाइट कवर करता है कितना, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो वेट कितना हो जाएगा. देखो वेट डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी. तो मिसाल के तौर पे अगर यह रेडियस ऑफ अर्थ है तो अगर कोई शख्स इतना ही और ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर. लेकिन यहां पे 2 RE हो गए तो 2 RE का स्क्वायर होगा. 2 का स्क्वायर होता है 4, अलग करके लिखा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. यानी कि जो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, जी के. तो वैल्यू ऑफ जी अगर 1/4 हो जाएगी तो वेट भी 1/4 हो जाएगा, बिकम 1/4. द वेट ऑफ बॉडी इन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इज, जब भी कोई बॉडी सैटेलाइट में होती है तो सेंट्रिपेटल सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करती है, जीरो हो जाता है उसका वेट. एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी द स्प्रिंग बैलेंस रीड. स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा इफ द एलिवेटर इज डिसेंडिंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. याद रखिए अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है इट मीन्स उस एलिवेटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. अगर उस एलिवेटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है जितना उस बॉडी का वेट होगा उतना ही एलिवेटर उसे रीड करेगा. आप डिसेंडिंग से परेशान नहीं होना कि बोलो नहीं डिसेंडिंग का मतलब तो हो गया नीचे आना, वेट जो है वो क्या हो जाता है नीचे आते हुए कम हो जाता है. लेकिन भाई वो तब होता है जब एक्सेलरेशन हो. अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो वेट उतना ही होगा जितना के है.
The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 that on the surface Earth surface. What will be the mass of body? Mass नहीं change होता, mass constant रहता है, चाहे कहीं भी चले जाओ भाई. The weight of man is 600 newton at the Earth. His weight on the moon, where gm 1/6 के बराबर है अगर value of g, तो weight भी 1/6 होगा. Divide by 6, 600 divide by 6, 100 newton. The weight of a body at the center of Earth would be zero. क्योंकि at the center of Earth value of g zero के बराबर है. 82. If the radius of Earth were to shrink, its mass remains same. अगर Earth shrink हो जाए, radius कम हो जाए, और उसका mass same रहे, तो acceleration due to gravity क्या हो जाएगी? Acceleration due to gravity, अब आप देखिए, g का formula है capital G m e over r e का square. ये कह रहे हैं radius कम हो जाए, तो radius कम होगा तो value of g तो बढ़ेगी. सीधी सी बात है, अगर mass constant रहे तो value of g will increase. Dot product of force and velocity is known as power. Power का formula होता है F dot V. The work done along the closed path in a conservative field is equal to zero. Conservative field कहते ही उसने, जहां पर जो है वो net work done zero के बराबर होता है in a closed path. One horse power exact value है 476 watts. The rate of doing work is zero. Rate of doing work zero होने का मतलब हो गया power zero है. समझे ना? Rate of doing work का मतलब होता है power, वो zero है. And the angle between force and velocity is 90 degrees. How? Power बराबर होती है F dot V. Dot का मतलब F V cos theta. और cos 0 तभी होता है जब angle कितने degrees होता है? 90 degrees. तो ये कह रहे हैं rate of doing work 0 है. तो angle 90 degree होगा तभी possible है. Dot product 90 पर 0 होता है. 87. If mass and speed both are doubled, the kinetic energy will be mass or velocity. दोनों को double कर दिया तो kinetic energy पे क्या फर्क पड़ेगा? 87. Kinetic energy का वैसे formula होता है 1 upon 2 mv square. ठीक है, अब नई जो kinetic energy होगी, for example ke dash 1 upon 2 same रहेगा, mass भी doubled हो गया, velocity भी double हो गई square. ठीक है, तो 1 upon 2 को कैंसिल नहीं कर सकते भाई, याद रखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाना है, सिर्फ नंबर्स बाहर ले जाओ, इधर का 2 और इधर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2s are 8, 8 को बाहर लेके गए, 1 upon 2 अपनी जगह पर, m अपनी जगह पे, v का स्क्वायर अपनी जगह पे, ke डैश बना. अब ये जो पूरी वैल्यू है ना half mv स्क्वायर, ये एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. 1 upon 2 कैंसिल कर देंगे तो कहां से आएगा, तो 8 टाइम्स ऑफ एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अगर हम मास को भी डबल कर दें और वेलोसिटी को भी डबल कर दें 8 टाइम्स. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो बिजली का बिल आता है, एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं बिजली, वो किलोवाट आवर के अंदर ही नापा जाता है. अ वेट लिफ्टर कंज्यूम्स 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 सेकंड. पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम. सो 500 डिवाइडेड बाय इनटू 500 डिवाइडेड बाय 2 250 वाट. What R is the unit of energy? वही kilowatt R, watt R, उसी का unit है. Power is equal to, power का formula होता है F dot V. तो वो dot V तो upon T नहीं होता. ये फौरन गलत हो जाएगा. ये सही है. F dot D upon T. क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना F dot V होता है. तो V खुद बराबर होता है D upon T के. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. D upon T. 92. A bucket of mass 10 kilogram is moved downwards in the gravitational field through a distance of 1 meter. The work done in this case is equal to, एक body है downward जा रही है, mass 10 kg है, gravitational field में distance इतना cover हुआ है, तो कितना work का work find करना है, work होता है F dot S, और अगर same direction के अंदर है तो F is equal to Fs आ जाएगा. Force body के weight के बराबर होता है, mass कितना है 10 है, 10 into 9.8 ये पूरा weight बना, और distance कितना cover हो रहा है, distance cover हो रहा है 1 के बराबर, तो 10 into 9.8 सीधा सीधा 98 आ जाएगा जूल्स, वो भी प्लस का डाउनवर्ड आ रहे हैं. इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज हाफ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, अगर स्पीड को हम हाफ कर दें तो 1/4 हो जाएगी. क्यों 1/4 हो जाएगी, अभी अभी समझाया था, अगर स्पीड को आप हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ v स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, m सेम रहेगा, 1/2 सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी. हाफ से हाफ मल्टीप्लाई नहीं करना, हाफ को रहना चाहिए, सिर्फ क्योंकि हाफ का या v का स्क्वायर करना है तो ये 1/4 हो जाएगा, और 1/2 mv स्क्वायर
अलग हो जाएगा। अब ये भी नहीं बोलना है सर इतना जल्दी जल्दी बता दिया, इससे पहले बता चुका हूँ ब्रैकेट के में कैसे वैल्यूज रखी थी। ठीक है, कुछ समझो तुम लोग भी। एक बॉडी मूव करती है वर्टिकली अपवर्ड, वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहा है, मैंने बॉडी मूव वर्टिकली अपवर्ड तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती रहती है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट जीरो होती है। बॉडी जब बिल्कुल टॉप पे पहुंचती है तो वहां पर रुक जाती है, वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। दो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करती हैं बीट्स को, बीट्स की डेफिनेशन है वैसे तो रिड्यूस हुआ भाई इस ईयर। इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सिंपल पेंडुलम का तो मास तो आता ही नहीं फॉर्मूले में। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस इज जीरो। साउंड ट्रेवल ही नहीं करता स्पेस में, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, जिसे ट्रेवल करने के लिए ना मीडियम की जरूरत होती है और स्पेस में कोई मीडियम तो है नहीं, वैक्यूम है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, 7 बीट्स इंसानी कान सुन सकता है पर सेकेंड। दो ट्यूनिंग फॉर्क जिनकी फ्रीक्वेंसी 256 260 है उनको एक साथ साउंड किया गया, बजाया गया, नंबर ऑफ बीट्स दोनों के फर्क के बराबर होती हैं, 260 माइनस 256 4। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकटिव नोड्स ऑफ स्टेशनरी वेव विल बी, दो जो स्टेशनरी वेव्स के नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई टू होता है। व्हाट आर नोड्स? नहीं पता तो रिवाइज कर लें और पता है तो आगे बढ़ा दो वीडियो, क्या करें। ये वैल्यू ये इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, कहीं से टकराई, टकराने के बाद वापस आई, तो ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहे हैं ना इनको नोड्स कहते हैं, और हर नोड के दरमियान का फासला लैम्डा बाई टू होता है, क्योंकि ये अगर लैम्डा है तो इसका आधा लैम्डा बाई टू हो जाएगा। अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स, वो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं, हम नहीं सुन सकते। पावर लॉ डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, अभी बताया लेंथ पे भी डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ जी पे भी डिपेंड करता है, बोथ लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अ वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नो चेंज अकर्स इन, किस चीज में चेंज नहीं आता? याद रखिए स्पीड में फर्क आता है, एम्पलीट्यूड में फर्क आता है, कलर के उसी में इंटेंसिटी में भी फर्क आ जाता है, अगर इंटेंसिटी का ऑप्शन होता है उसमें भी फर्क आता है, वेवलेंथ में चेंज आता है, जब भी तो न्यूमेरिकल के अंदर परसेंट चेंज इन वेवलेंथ भी मालूम करने के लिए आ सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन एल टी और लीनियर डेंसिटी सब, तो फॉर्मूला जो है ना इसका, ये भी रिड्यूस है वैसे पता नहीं क्यों दिए हुए यहाँ पर, उसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है अंडर रूट टी ओवर म्यू, और यहाँ पे आता है 1/2L, तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, टेंशन पे भी और मास पर यूनिट लेंथ पे भी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट डेसीबल होता है, याद रखिएगा मिस्टेक नहीं करेगा, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, या जूल भी हो सकता है, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन मिक्सअप नहीं करना, इंटेंसिटी लेवल का डेसीबल होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज स्पेसिफिकली लेस देन, किससे कम हो? सबसे छोटा वाला आंसर लिखा करो हमेशा, सबसे छोटा आंसर लिखोगे वही करेक्ट होगा, तो 5 डिग्री से कम होगा तो ही करेक्ट है, अगर आ जाता 1 डिग्री तो हम 5 नहीं लिखते, हम 1 लिखते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, इसमें से कौन सी खसूसियत है जो कि टेम्परेचर के चेंज से चेंज हो जाती है साउंड की? एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, याद रखिए वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, और ये तो एक न्यूमेरिकल भी है ना हमारा परसेंट चेंज इन वेवलेंथ वाला, जो क्या कहते हैं टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेवलेंथ के अंदर चेंज लाजमी तौर पर आता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, स्पीड में फर्क आता है, स्पीड इज इक्वल टू एफ ओवर लेमडा, ये सेम है, लेमडा चेंज होता है तभी स्पीड चेंज होती है। दिस इज कंप्रेशनल वेव, साउंड वेव्स कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, करेक्ट बात है। दोबारा से आ गया, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें से कौन सा है जो टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा? हैंगिंग स्प्रिंग सपोर्टिंग अ वेट, एक वेट स्प्रिंग से लटका हुआ है तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे मूव करता है तो वो SHM हो सकता है। बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच भी ऐसे ही होता है,
वो भी आगे पीछे होता रहता है। वायलिन की स्ट्रिंग भी होती है, लेकिन जो पहिया होता है वो सिर्फ गोल घूमता है, आगे पीछे नहीं होता। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, पिच का बराह रास्त ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से होता है। अ साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज। अब देखो ना, वही सवाल है, ऊपर वाला ही सवाल है, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ तो चेंज होती है, इधर ही था ना कहीं पे, चलो देख लेना पीछे करके। इंटेंसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, वाहिद एक चीज है जो सेम रहती है और वो है फ्रीक्वेंसी। द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, और जिनकी 20 से कम होती है वो इंफ्रासोनिक कहलाती हैं, और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो है वो ऑडिबल होती हैं। इफ आई स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन लूप, हाउ मेनी एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड। एक लूप अगर बनता है तो कितने एंटी नोड्स होते हैं? एक लूप है मिसाल के तौर पर यहां से लेके यहां तक का, तो दो नोड होते हैं और एक एंटी नोड होता है, ये एंटी नोड है और ये दोनों नोड्स हैं। एक लूप का मतलब एक एंटी नोड वन। द वेलोसिटी ऑफ बॉब सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजिशन मैक्सिमम होता है, कोई बॉडी एस एच एम कर रही हो तो मीन पोजिशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड हैज मैक्सिमम वैल्यू इन सॉलिड्स, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं करीब करीब होते हैं, जल्दी एक दूसरे से टकराते हैं, जल्दी साउंड को आगे बढ़ाते हैं। इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इंक्रीज 4 टाइम्स, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स। टेंशन को डबल कर देंगे तो स्पीड, टेंशन को 4 गुना कर देंगे ना, क्या लिखा हुआ है 4 गुना लिखा हुआ है, टेंशन को अगर 4 गुना कर देंगे तो स्पीड 2 गुना बढ़ेगी। क्यों भाई, अभी अभी तो बताया फॉर्मूला, ये रहा टेंशन, अगर 4 गुना बढ़ेगी तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, बाहर आके 2 हो जाएगा। दो ट्यूनिंग फॉर्क 256, 262, 61 वाइब्रेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दोनों के फर्क के बराबर, 262 माइनस 256 सिक्स, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। गुड, अच्छा वही वाला आ गया जो मैं कह रहा था, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है, जो यूनिट होता है सॉरी, वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी लेवल का डेसीबल होता है। अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। द सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन रिंग्स अपेयर डार्क, जो सेंट्रल स्पॉट होता है न्यूटन रिंग का वो डार्क क्यों अपेयर होता है? फेज रिवर्सल ओनली, पार्ट डिफरेंस जीरो ओनली, बोथ फेज रिवर्सल एंड पार्ट डिफरेंस बीइंग जीरो, ये दोनों होते हैं, एक नहीं होता, दोनों की वजह से होता है। व्हेन मूवेबल मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर मूव्स डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ, द इंटरफेरेंस पैटर्न मूव्स बाय, कितने इंटरफेरेंस पैटर्न मूव होंगे अगर तो हम जो डिस्टेंस मूव कराते हैं वो हम करते हैं वेवलेंथ के बराबर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा ओवर टू। ठीक है, तो डिस्टेंस ये कितना कह रहे हैं, डिस्टेंस ये कह रहे हैं एक वेवलेंथ के बराबर, यानी कि इसकी जगह पे लेमडा आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एक्स लेमडा बाय टू, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो एम बराबर आ जाएगा दो फ्रिंजेस के। वी कैन सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, इमेट वाले जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्शन से ही नजर आता है। इन यंग्स डबल सी एक्सपेरिमेंट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एम लेमडा के बराबर होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो बराबर होता है ऑड मल्टीपल के। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाती, पोलराइजेशन को कर पाती, इंटरफेरेंस को भी, डिफ्रेक्शन को भी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन बाकी 3 तो पढ़े हैं ना, वो वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, एक लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो इसको समझाया भी था, एनिमेशन भी दिखाई थी। पोलराइजेशन ऑफ लाइट ड्यू टू टॉर्मलिन क्रिस्टल टेक्स प्लेस, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, कुछ एब्जॉर्ब करो कुछ जाने दो, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होती है। मैक्सवेल की थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ लाइट के अंदर स्टडी करते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल इज यूज टू लोकेट द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट से बनाते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल से बना के भी दिखाया मैंने लेक्चर में। दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव इंटरफेयर भी कर सकती हैं, डिफेक्ट भी कर सकती हैं, रिफ्लेक्ट भी कर सकती हैं, पोलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि पोलराइजेशन के लिए शर्त है वेव्स का ट्रांसवर्स होना, और क्योंकि साउंड वेव ट्रांसवर्स नहीं है तो वो पोलराइज नहीं हो सकती। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनेबल टू शो डिस्पर्जन, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक है, उसकी एक ही वेवलेंथ है, तो डिस्पर्जन तो पॉसिबल ही नहीं है, डिस्पर्जन का मतलब होता है डिफरेंट वेव में
ब्रेक हो जाना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसकी तो एक ही वेव है। 135 येलो लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प इज यूज टू फॉर्म न्यूट्रन रिंग्स, सेंट्रल स्पॉट इन द न्यूट्रन रिंग्स इज ऑलवेज डार्क, द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रेक्शन, उर्दू में इनकसारी कहते हैं, मुड़ जाना, झुक जाना। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज द फ्रिंज स्पेसिंग विल, अगर हम स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दें तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है लेमडा एल ओवर डी, तो अगर मैं डी की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एम लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज ब्रैग्स लॉ, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ कहलाती है, लेंथ से लेके या ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का फासला। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 4 डायोप्टर, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 4 डायोप्टर है और फोकल लेंथ पता करनी है, 4 डायोप्टर है ना, तो फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू 1/f, एफ इज इक्वल टू 1/p, 4 डायोप्टर है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 होता है 0.25 और मीटर्स में आएगा क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे सन या स्टार्स से आने वाली लाइट को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। इफ द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 2.5 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अगेन उसी फॉर्मूले से मालूम करो, 40 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 0.5 सेंटीमीटर, पावर मालूम करो, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, है ना, सेंटीमीटर थोड़ी सॉल्व करते हैं, मीटर के अंदर सॉल्व करते हैं, सो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.005 मीटर में आ गया, 1 डिवाइड बाय 0.005 इज इक्वल टू 200 डायोप्टर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस एफ पे रख दे तो उसका इमेज इंफिनिटी पे बन जाता है। इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द सेंट्रल लेंस इज यूज टू इरेक्ट द इमेज, इमेज सीधा करना होता है, इस वजह से टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी इजीली करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग अपर्चर ऑफ द लेंस, अगर हम लेंस का अपर्चर यानी कि अमाउंट ऑफ लाइट जो उसके अंदर आ रहा है उसको हम कंट्रोल करें और साइडों से लाइट ना जाने दें तो स्फेरिकल एबरेशन को करेक्ट किया जा सकता है। इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप तो उसके लिए फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू 1 + d/f, तो कितनी है ये, 6 के बराबर है ना मैग्नीफाइंग पावर, 1 + d कितना, डी होता है किसमें, सेंटीमीटर के अंदर है, 25 कर लेंगे और डिवाइड बाय एफ भी हमारा इसी में ही आएगा ना, तो क्या वैल्यू बनेगी इसकी, हमें एफ की वैल्यू अलग करनी है तो ये हो जाएगा 6 - 1 = 5 इज इक्वल टू 25/f, एफ को अलग करेंगे 25 / 5 आएगा, 25 / 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप FO - FE होता है और अगर एस्ट्रोनॉमिकल पूछेंगे तो प्लस का आएगा। बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर ऑफ द लेंस, अगेन वही सवाल आ गया है, स्फेरिकल एबरेशन खत्म हो जाती है। डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज क्योर्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स कॉन्केव सिलेंड्रिकल लेंसेज से, कलर ब्लाइंडनेस खत्म नहीं होती है, अलग प्रोसीजर है, नन ऑफ दीज। दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं सेम फोकल लेंथ के, उनको एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रखा जाता है तो कंबाइंड लेंसेज की जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कंबाइंड फोकल लेंथ का, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। अब कह रहे हैं दोनों की फोकल लेंथ बराबर है तो 1/f + 1/f, और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इफेक्टिव, तो ये कितना हो जाएगा 2/f, दोनों को ऐड करेंगे ना सीधा सीधा, 1/FE, FE बराबर आ जाएगा f/2 के, दिस वन। एंड फाइनल 152, इफ द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f इज इक्वल टू p, अगर फोकल लेंथ मालूम करनी है तो f इज इक्वल टू 1/p और अगर पावर 1 है तो ये भी आ जाएगा फोकल लेंथ का आंसर 1 मीटर, या अगर सेंटीमीटर में कहते हैं तो 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल, आज के भी हमारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कामयाब रहेगी और आप लोगों को बहुत फायदा होगा इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आई होप आपकी तैयारी बेहतरीन हो
और आप एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।